જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ નેહા અગરવાલ છે અને હું એક ડેવલપમેન્ટલ સાયકોલોજિસ્ટ અને પેરેન્ટિંગ એક્સપર્ટ છું. પેરેન્ટિંગની વાત કરીએ તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે એકવાર મા બાપ બન્યા પછી આપણી આ ઘર પાછળ ફરવાનો કોઈ રસ્તો નથી. વન્સ અ પેરેન્ટ ઓલવેઝ અ પેરેન્ટ, આ એકમાત્ર એવી જર્ની છે જે બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને ટ્રિકી છે. ઇન્ટરેસ્ટિંગ એટલે કે બધા જ બાળકો ભગવાનના દીધેલા યુનિક અને મસ્ત ભગવાનના દીધેલા આપેલા સ્વરૂપ છે અને દરેક મા બાપની ઉછેરવાની રીત જુદી, દરેક ઘરની પરિસ્થિતિઓ જુદી, સંસ્કાર જુદી. આ બધા જ ડિફરન્સીસ હોવા છતાં આપણે બધા મા બાપ રીતે એક જ વસ્તુ ઈચ્છીએ છીએ અને એ છે આપણા બાળકોનું સરસ ભવિષ્ય, ઉજ્જવળ ભવિષ્ય. હવે કેમ ના ઈચ્છવું જોઈએ? બધા એ જ ઈચ્છે છે અને ઈચ્છવું જ જોઈએ, કારણ કે આપણે બધા પહેલા આપણા છોકરાઓનું વિચારીએ પછી કોઈ ડિસિઝન લઈએ છીએ. પેરેન્ટિંગ એકમાત્ર એવો રોલ છે જેમાં આપણા માટે કોઈ પણ રોલ મોડલ તરીકે વ્યાખ્યા નથી. આ જર્ની એવી છે જેમાં સમય વીતશે તો ખબર પડશે કે આપણે જે પરવરિશ કરી હતી, જે ઉછેર કર્યો હતો એ બરાબર હતો કે નહીં. ટૂંકમાં કહીએ તો રિસ્ક છે, કારણ કે રિઝલ્ટ મળવામાં ટાઈમ લાગે છે અને ચેલેન્જ એ છે કે એ ટાઈમ રહેતા આપણે છોકરાઓને સાચવીને સરખો ઉછેર કરી શકશું કે નહીં એની કોઈ ગેરંટી નથી. આવા ઘણા બધા સવાલો સાથે કંસારા સેવા સમાજ અને ટીમ નર્ચર તરફથી આયોજિત આર્ટ ઓફ પેરેન્ટિંગનું વેબિનાર રાખવામાં આવ્યું છે 17 જાન્યુઆરીએ બપોરે 3 થી 5 વાગે. એટલે તમને બધાને વિનંતી કે આ વેબિનાર અટેન્ડ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. મેં દેવસ્વતા દત્તા નર્ચર છે. સો નર્ચર હે ક્યા? મેં હિમાંશુ શિપ્રા इन गाइडेंस ऑफ डेफिनेटली नेहा मैडम, हमने एक टीम फॉर्म किया और एक कम्युनिटी फॉर्म किया फॉर पेरेंट एंड पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स कॉल नर्चर. सो हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा हैंड पिक पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स इस प्लेटफॉर्म पे ला सके और इनकी कनेक्ट इस पेरेंटिंग कम्युनिटी को दे सके, ताकि जब भी प्रॉब्लम हो या तो फिर प्रॉब्लम से पहले, हम नहीं चाहते कि प्रॉब्लम तक पहुंचे एक पेरेंट, सो प्रॉब्लम से पहले ही राइट पेरेंटिंग के लिए या पेरेंटिंग गाइडेंस के लिए ये पेरेंट्स चोजन पेरेंटिंग एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट कर सके, क्योंकि ये ऑलरेडी कम्युनिटी में है पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स और पेरेंट, तो इनके लिए इजी रहेगा टू जज अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट एंड टेक देयर सर्विसेज. टू वन पेरेंटिंग एक्सपर्ट के साथ हम ये भी चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पेरेंटिंग इश्यूज या टॉपिक्स को लेके इन पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स के साथ वर्कशॉप कंडक्ट करवाएं, जहां पर कि पेरेंट्स आए, अपने क्वेश्चन आंसर्स रिजॉल्व करें और एक कभी कभी पेरेंट को ऐसा लगता है कि सोल्यूशन नहीं मिल रहा है. हम फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं, फैमिली के साथ डिस्कस कर रहे हैं, बट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है. सो ऐसे टाइप के वर्कशॉप अगर अटेंड करेंगे तो उनको एक गाइडेंस मिलेगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे डील कर सके, और वो भी एक एक्सपर्ट से. सो वर्कशॉप और वेबिनार हमारे और कुछ सर्विसेज हैं जो कि हम कंडक्ट करवाना चाहेंगे अलॉन्ग विथ वन टू वन पेरेंटिंग कनेक्ट. सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट नर्चर. थैंक यू. जय श्री कृष्ण. जैसा कि देवस्मिता दत्ता यानी कि हमारी टीममेट टीम नर्चर में बता रही थी आपको अभी कि हम लोग वेबिनार भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हम 17 तारीख को कंसारा सेवा समाज के लिए आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. हम जानते हैं कि जैसे ही बच्चे टीनेज में आते हैं उनमें काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उनका मन एक अलग ही दिशा में चलने लगता है. ऐसे में कई पेरेंट्स को ये समझ नहीं आता है कि अपने बच्चों को कितनी छूट देनी चाहिए और कितनी नहीं, और तो और बच्चों में कुछ ऐसी आदतें भी आ जाती हैं जैसे कि वो हमसे कुछ चीज़ें छुपाना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, एग्जाम्स के टाइम पे इनकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, या फिर वो अपने दोस्तों के साथ ही घूमने फिरने में लगे रहते हैं. और माँ बाप को भी कभी कभी ये लगने लगता है कि डेटिंग, लव, इन्फैचुएशन, इन सब चीजों के बारे में हम इन बच्चों से कैसे बात करें, क्योंकि हमारे टाइम पर ये सब बातें कभी खुल के नहीं हो पाती थी,
लेकिन आजकल के जमाने में अपने बच्चों से इस उम्र में दोस्त बनकर ये बात करना बहुत जरूरी है। सिर्फ उनको करेक्ट नहीं करना चाहिए, उनके साथ एक कनेक्ट बनाना चाहिए, यानी कि कनेक्शन बिफोर करेक्शन। उनका एक दोस्त बनकर अगर हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे या उनको एडवाइस देने की कोशिश करेंगे तो शायद वो मान भी जाए। तो असर्टिवली एक अच्छे तरीके से आप अपने बच्चे को, टीनेज बच्चे को या जो बढ़ता हुआ बच्चा है उसको कैसे संभाल सकते हैं और एडवाइस दे सकते हैं जो वो माने, इसके लिए हम ये वेबिनार कर रहे हैं जिसका नाम है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। इसमें मिसेस नेहा अग्रवाल जो हमारी गाइड भी हैं और एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, उनके पास 13 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, वो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देंगी। तो 17 तारीख याद रखिए और कंसारा सेवा समाज के आर्ट ऑफ पेरेंटिंग वेबिनार में ज़रूर आइएगा। धन्यवाद करते हैं टीम नर्चर से हिमांशु, देवस्मिता और मैं शिप्रा। जय श्री कृष्णा।